तो मशीन डिजाइन में जो पावर स्क्रू है, उसमें पावर स्क्रू में हम लोग उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, है ना। इसके बाद हम उसकी टर्मिनोलॉजी को देखे थे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स थे, पिच लेड, है ना, नॉमिनल डायमीटर, कोर डायमीटर, हेलिक्स एंगल, ये सब क्या है, कुछ टर्म है जो पावर स्क्रू का, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक्स है, वो हेडिंग है कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, ठीक है। कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो पावर स्क्रू है ना, पावर स्क्रू क्या है, कि पावर स्क्रू जो एक स्क्रू के ऊपर थ्रेडेड पार्ट है, जिसका हम लोग इस्तेमाल, एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज जो है हम पावर का ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, है ना। पावर स्क्रू जो है हमारे द्वारा जो दिया गया रोटेशनल मोशन है, यानी कि हम इनपुट के रूप में स्क्रू पर क्या देते हैं, रोटेशनल मोशन देते हैं, उसको पावर स्क्रू जो है एक्सियल मोशन में कन्वर्ट करता है, और पावर साथ में पावर को ट्रांसमिट भी करता है। तो पावर स्क्रू का हम लोग वाइडली यूज जो है, जैसे कि लोड को लिफ्ट करने में, बड़ा बड़ा हैवी लोड जो होता है, जैसे स्क्रू जैक हो गया, स्क्रू जैक की मदद से हम लोग हैवी हैवी लोड को उठा देते हैं, उसको लोअर करते हैं, या किसी पोजीशन के ऊपर हम उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि पावर स्क्रू का और भी यूज जो है क्लैंपिंग डिवाइस में होता है, जो कि जैसे बेंच वाइस में हम लोग कोई जॉब को फिक्स करने के लिए हम लोग पावर स्क्रू के थ्रू उसको क्लैंप करते हैं। साथ ही वर्कशॉप में होता है, जहां पर एक्यूरेट मोशन देना हो, जिस पोजीशन पर ले जाके स्क्रू को हम सेट कर देंगे, कोई भी डिवाइस जो कि एलिमेंट्स जो कि हमारा वर्कशॉप मशीन का है ना, जैसे कि लेथ का कैरेजे हो गया, जो लेड स्क्रू के ऊपर मूव करती है, तो वहां पर हम कैरेज को जिस पोजीशन पर हम फिक्स कर देंगे, वो कैरेज की मतलब जो जॉब के ऊपर अप्लाई किया गया लोड है, उसके कारण वो डेविएट नहीं होगा, वो अपने पोजीशन को बनाए रखेगा। तो एक्यूरेट मोशन के लिए भी हम पावर स्क्रू का यूज करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो हमारा है कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड। अब लोड को पावर स्क्रू का यूज हम एज ए स्क्रू जैक के रूप में हम किसी हैवी लोड को उठाने के लिए करते हैं, है ना। अब हम यहाँ का पर्पस ये है कि आज हम पढ़ने वाले ये है कि मान लेते हैं कि अगर लोड हमारा 100 न्यूटन का लोड अगर पावर स्क्रू के ऊपर है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास भी उतना पावर है ना। हम लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं। अब जैसे कि स्क्रू जैक से हम मान लीजिए कि एक हैवी ट्रक को ही उठा देता है, तो अब हम हाथ से अगर हम ट्रक उठाएंगे तो अकेला से हमसे उठेगा नहीं, ठीक है। लेकिन वहीं पर स्क्रू जैक लगा देते हैं, और उसके बाद हम सिंपल स्क्रू जैक को घुमा देते हैं, तो एक आदमी ही उसको क्या करता है, स्क्रू जैक को घुमा दिया तो पूरा का पूरा ट्रक को वो उठा देता है। तो कहने का मतलब है कि हम थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं हमारे द्वारा, और स्क्रू जो है एक ऐसा डिवाइस है जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज को प्रदान करता है, और वो हमारे द्वारा लगाया गया थोड़ा सा एफर्ट को वो हैवी लोड को उठाने में वो यूज हो जाता है। तो आज हम वही निकालेंगे कि अगर हमारे पास कोई लोड डब्लू लोड लग रहा है, तो हमें कितना टॉर्क देने की जरूरत होगी ताकि वो लोड जो है वो रेज कर जाए, एक सर्टेन हाइट तक वो उठ जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक स्क्रू थ्रेड का लास्ट टर्मिनोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक स्क्रू थ्रेड को हम ओपन किए थे। तो एक स्क्रू थ्रेड को ओपन करने के बाद जो हमको शेप आया था, वो कैसा आया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल आया था, है ना। ये क्या है कि ये एक स्क्रू है, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप्स का एक पेपर कट करेंगे, और इसको हम लोग बैंड करेंगे, सिलिंड्रिकल मतलब शेप में उसको बैंड करेंगे, तो देखेंगे कि जो उसका हाइपोटेनियस है ना, ये ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है, ये हेलिकल शेप में आ जाएगा, और यही उसका क्या बताएगा, स्क्रू थ्रेड को बताएगा, है ना।
तो ये हमारा क्या है, एक थ्रेड को हम लोग क्या कर दिए, ओपन कर दिए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, पाई डी एम, है ना। डी एम क्या है, मीन डायमीटर, ठीक है। इसके बाद जो है एक मतलब है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये उसका लीड हो गया। लीड मतलब हो गया कि एक रोटेशन अगर हम लोग कोई नट को देते हैं और जितना वो एक्सियल डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही उसका क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। और ये इसका क्या है, ये इसका हेलिक्स एंगल है, अल्फा एक क्या है, हेलिक्स एंगल है। तो अब मान लीजिए कि जो भी हमको लोड है वो लोड कहाँ लगेगा, स्क्रू थ्रेड के ऊपर लगेगा, क्योंकि जो हमारा मतलब जो भी जैक है या उठाने वाला जो भी क्लैंपिंग है तो वो इन मतलब लोड तो आएगा ऐसे जैक के ऊपर, जो भी आएगा तो वो इनडायरेक्टली रूप से वो फाइनली कहाँ पे आएगा, स्क्रू थ्रेड के ऊपर ही आएगा। तो ऐसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कुछ कि डब्लू जो है ये हमारा क्या है, लोड, लोड एक्टिंग ऑन, लोड एक्टिंग ऑन स्क्रू थ्रेड, स्क्रू थ्रेड के ऊपर जो है ये लोड। तो ये लोड जो लगता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब वर्टिकली, परपेंडिकुलर नहीं कहेंगे, लोड जब भी लगता है, जैसे कोई भी चीज को अगर हम लोग उठाते हैं तो पृथ्वी जो है अर्थ उसको अपनी ओर खींचता है, यानी वो सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में खींचता है। तो लोड जो है ये हमेशा किधर लगता है, तो ऑलवेज 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 एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवार्ड, वर्टिकली डाउनवार्ड। ये जब भी लगेगा तो किधर लगेगा, वर्टिकली लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये लोड जो है इस थ्रेड के ऊपर भी जो ये लगेगा W, ये कैसा लगेगा, एकदम डाउनवर्ड लगेगा और वर्टिकली लगेगा, क्योंकि अर्थ जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को सीधा वर्टिकली वो अपनी ओर खींचता है। तो ये हो गया W, है ना। इसके बाद जो है अब इस ये चूंकि एक इंक्लाइन प्लेन का केस है, अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन है ना, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक लोड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन जो है हमेशा जो है जो भी इंक्लाइन सरफेस है उसको हम ये किधर लगता है, यहाँ एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा डायरेक्शन हम जो है उल्टा ले लिए, है ना, क्योंकि कोई एक डायरेक्शन हमको लेना होगा ना। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर W लोड लग रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से नीचे की ओर लेते, मतलब हेड और टेल का यहाँ पर हमको कॉम्बिनेशन रखना होगा, या तो सब टेल एक जगह होगा या हेड एक जगह होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर होता है और वेक्टर क्वांटिटी को फाइनली हमको सॉल्व करना है, तो हम सबके टेल पॉइंट को एक जगह करते हैं। तो ये हो गया हमारा W जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लगता है। N, N यहाँ पर क्या है, तो N जो है एक नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार कोई भी प्लेन के ऊपर या कोई भी, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन हो या फ्लैट प्लेन हो, जब भी उसके ऊपर लोड अगर एक्ट होती है तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन डेवलप करता है ना। यानी कि इस पर ये इंक्लाइंड प्लेन है तो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या डेवलप करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन डेवलप करेगा, है ना। तो ये कहाँ होगा, ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, एन हो गया। इसके बाद हम लोग को मान लेते हैं कि पी, पी क्या है, इफर्ट, ये हमारा क्या है, इफर्ट। इफर्ट किसको कहते हैं, तो हम लोगों के द्वारा जो भी फोर्स लगाया जाता है, हम जो स्क्रू थ्रेड के ऊपर, क्योंकि इस W लोड को अगर उठाना है तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना होगा, है ना। तो एफर्ट जो है वही हो गया कि जो हम लोग के द्वारा लगाया जाता है। तो स्क्रू जैक में हम जो एफर्ट लगाते हैं ये जो लगता है वो एक्ट्स इन हॉरिजेंटल,
हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एफर्ट लगता है, यानी हम लोग जो लगाते हैं, हम सिंपल जैक को आप देखिए कि जब भी जहां पर भी आप देखे होंगे कि जैक को कोई घुमा रहा है तो वो सिंपल सा एक सर्कुलर मतलब पाथ पे वो क्या करता है, एक लीवर लगा के जैक को घुमाते रहता है ना। तो हम जो इसके ऊपर एफर्ट लगाते हैं वो ये है पी, ये हमारा किधर लगेगा, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए यहाँ पर स्क्रू थ्रेड है, तो स्क्रू थ्रेड यहाँ पर एक सरफेस जो है रफ है, यहाँ पर क्या एफ हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या है फ्रिक्शन फोर्स। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड को रेज कर रहे हैं, तो लोड हमारा मतलब अभी इस पॉइंट पर है, अगर हम लोग इसको लगातार एफर्ट लगाते जाएंगे तो ये लोड जो है तो कुछ समय के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा, तभी ना ये लोड क्या हो रहा है, रेज हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, किसी एक समय में लोड जो है यहाँ पर होगा, तो मतलब हो गया कि इस तरह से लोड का क्या हो रहा है, रेजिंग हो रहा है, तो मतलब लोड जो हमारा मूव कर रहा है वो इधर इस डायरेक्शन में हमारा क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि फ्रिक्शन जो हमेशा लगता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि फ्रिक्शन जब अगर मोशन हमारा अपवार्ड की ओर है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा इस सरफेस के अलोंग लगता है और वो नीचे की ओर लगेगा। इतना बात आगे क्लियर में है ना। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है म्यू इंटू एन। म्यू क्या है तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू क्या है यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, और एन क्या है तो नॉर्मल रिएक्शन है, तो एफ बराबर क्या होगा म्यू इंटू एन है ना। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये एफ बराबर क्या है म्यू इंटू एन है। अब देखिए अब ये इतना ही फोर्स टोटल लग रहा है, अब तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स, ये डब्लू एक लोड जो कि हमारा जिस ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं वो लोड है, P जो है हमारे द्वारा लगाया गया एफर्ट है, N जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है, और F क्या है उसके सरफेस के ऊपर सरफेस फ्रिक्शन है। अब तो किसी भी प्रकार का यहाँ लोड नहीं लग रहा है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर एंगल है अल्फा, अल्फा एक हेलिक्स एंगल है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक वर्टिकल डायरेक्शन में खींच लेते हैं और एक यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेते हैं। तो अब देखिए ये अगर अल्फा है, ये अल्फा है, तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा है ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, ये एंगल अल्फा हो गया तो ये एंगल जो हो जाएगा वो 90 माइनस अल्फा होगा, तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल फिर से अल्फा हो जाएगा, ये एंगल अल्फा हो गया है ना। तो इस तरह से हम दोनों एंगल फाइंड कर लिए। तो अब हम लोग चलते हैं इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ पर डिफरेंट कुछ फोर्स ऐसा है जो वर्टिकली डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ है कि हॉरिजॉन्टल पे लग रहा है, कुछ है जो इंक्लाइन पे लग रहा है, इंक्लिनेशन है, तो सबको हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करेंगे उसको इक्विलिब्रियम में लाएंगे है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेज को क्या कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, मतलब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, अगर ये कंडीशन अगर मतलब इक्विलिब्रियम में है तो इसका समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स और वाई डायरेक्शन में टोटल फोर्स जो है दोनों में क्या होगा वो जीरो हो जाएगा है ना। तो इस तरह से यहाँ पर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो गया जीरो हो गया था। अब देखिए इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर पी जो है वो इधर है राइट वार्ड की तरफ है ना, पी कहाँ है राइट वार्ड की तरफ, तो यहाँ पर इस मतलब राइट वार्ड डायरेक्शन में सिर्फ ओनली पी ए है, तो यहाँ पर एक तरफ पी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा लेफ्ट वार्ड तरफ कौन कौन है, तो देखिए ये एन है, एन का एक कंपोनेंट आएगा इसके ऊपर
और f का एक कंपोनेंट इधर आएगा और w तो इसके परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर में तो ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया, तो n और f दोनों ही इंक्लिनेशन पर है, तो दोनों का एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल में आएगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा। तो देखिए n का जो जो कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा वो आएगा क्या, ये इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा n cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में इधर क्या हो जाएगा n sin अल्फा, है ना। तो p बराबर क्या हो गया कि n sin अल्फा हो गया, और इधर देखिए फ्रिक्शन भी यहाँ पर क्या है, इस एंगल पे झुका हुआ है, ये है अल्फा एंगल, है ना, ये नहीं, ये इसको मान लीजिए ये अल्फा एंगल है, तो इस डायरेक्शन में F जो हो जाएगा यहाँ पर F cos अल्फा हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में F sin अल्फा। तो देखिए हॉरिजेंटल में P बराबर, P इस राइट वार्ड है और लेफ्ट वार्ड में N sin अल्फा F cos अल्फा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा F cos अल्फा प्लस N sin अल्फा। F बराबर म्यू इंटू एन है, तो यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, म्यू एन कॉस अल्फा अब प्लस एन साइन अल्फा, है ना। तो इस तरह से ये आ गया हमको हॉरिजेंटल कंपोनेंट। सिमिलरली जो है हम लोग समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, वाई डायरेक्शन में भी हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में लाएंगे। तो अब देखिए वाई डायरेक्शन में नीचे की ओर है डब्लू प्लस एफ साइन अल्फा और ऊपर की ओर है एन कोस अल्फा, तो इक्विलिब्रियम के लिए दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या हो लिखेंगे डब्लू प्लस एफ साइन अल्फा, ये बराबर हो जाएगा एन कोस अल्फा। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एन कोस अल्फा, और यहाँ पर f बराबर हो जाएगा म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन साइन अल्फा। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए यहाँ पर कि एफर्ट और लोड को दोनों को समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लिए और समेशन ऑफ जो है यहाँ पर एफ ऑफ वाई निकाल लिए, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन वन और इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय टू, एक में हम लोग दो से भागा देते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड से डिवाइड हो जाएगा, जो राइट साइड में है वो राइट साइड से हो जाएगा, यानी कि P बाय W बराबर क्या हो जाएगा, तो P है म्यू इंटू एन कॉस अल्फा प्लस एन साइन अल्फा, और बाय यहाँ पर हो जाएगा एन कॉस अल्फा माइनस म्यू एन साइन अल्फा, ठीक है। तो ये दोनों को डिवाइड कर दिए, देखिए n n जो है n ऊपर में भी दोनों टर्म में है, n जो है नीचे वाला में भी दोनों टर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, p बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा w ऊपर चला जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा म्यू कॉस अल्फा, n तो कैंसिल हो गया, प्लस साइन अल्फा, है ना, अब बाय यहाँ पर n तो कैंसिल हो चुका है, कॉस अल्फा और माइनस n साइन अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा जो है सो टर्म आ गया एफर्ट का, एन कैंसिल है सर, सॉरी यहाँ पर एन जो है सो कैंसिल है, हाँ हाँ यहाँ एन हमारा क्या है, कैंसिल है, तो म्यू है, यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर हो जाएगा म्यू, तो कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक टर्म आ गया, क्या क्या, W इंटू म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है, है ना, और यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ ऊपर और नीचे, यहाँ पर डिवाइडिंग
इसको चूंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा। कॉस अल्फा से हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर p बराबर आ जाएगा, यहाँ पर p बराबर आ गया w, है ना, और इनटू है हमारा म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है ना, और इसको जो है सो हम लोग दोनों ही टर्म को क्या कर देंगे, कॉस अल्फा से डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद नीचे वाला भी जो टर्म है कॉस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, कॉस अल्फा से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमको सिंप्लीफाई होके आ जाएगा डब्लू म्यू, ठीक है, ये कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा और साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा हो जाएगा टेन अल्फा, और बाय यहाँ भी कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस म्यू टेन अल्फा। ये आ गया हमको कितना, पी बराबर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अगर अगर जो है फाई, यहाँ पर फाई हम लोग लेते हैं कि फाई अगर हमारा क्या है, फ्रिक्शन एंगल है, फ्रिक्शन एंगल अगर फाई है तो हम लोग जानते हैं, एक मिनट, इसको